फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 20 अगस्त के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में स्थित सिवलुच ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? यह रूस देश में हुआ है। रूस, यहाँ पर पूर्वी तट, यहाँ पर भूकंप आया है और इस भूकंप का नाम है सिवलुच ज्वालामुखी, इसमें विस्फोट हुआ है। क्योंकि जो पूर्वी तट है रूस का, यह प्रशांत अग्नि मेखला के अंदर आता है, रिंग ऑफ फायर के अंदर आता है और यहाँ पर भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी बहुत आते रहते हैं। रूस यहाँ पर एक प्रायद्वीप है, इसका नाम है कमचटका प्रायद्वीप, इसको भी ध्यान रखिएगा। ललन टॉप देख लीजिए। माउंट इबू ज्वालामुखी यह इंडोनेशिया में है। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली में है। माउंट मोनालोआ ज्वालामुखी यह हवाई द्वीप यूएसए में है। यह विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। माउंट इस्टांबोली ज्वालामुखी या जो है इसको कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। माउंट इरेवस, इसको स्वर्ण उद्गार वाला ज्वालामुखी कहा जाता है, अंटार्कटिका महाद्वीप में है। किलाउआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप यूएसए में है। नेक्स्ट है, विश्व मानवतावादी दिवस 2024 कब मनाया गया? 19 अगस्त को। 19 अगस्त को मनाया गया विश्व मानवतावादी दिवस और इसी दिन चलाया गया है हैशटैग एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट है, ललन टॉप, विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को। विश्व संस्कृत दिवस 19 अगस्त को। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, इसका यूज किया जाता है फोटोग्राफी में। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, चुनाव की शाही में इसका यूज किया जाता है और इसी को, सिल्वर नाइट्रेट को, लूनर कास्टिक यह भी कहा जाता है, अमृत स्याही। नेक्स्ट आपका AgI सिल्वर आयोडाइड होगा, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम बारिश करवाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल ACI से उच्चतम स्तर 5 की ग्रीन टैग किस हवाई अड्डे ने हासिल किया है? तो बंगलुरु और दिल्ली, ACI एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, इसने 5 स्टार ग्रीन टैग दिया है। किसको दिया है? कैमगोडा एयरपोर्ट बंगलुरु को और दिल्ली एयरपोर्ट इसको दिया है। क्यों दिया है? कार्बन प्रबंधन और पर्यावरण जिम्मेदारी, इसके लिए दिया जाता है टैग, तो यह बंगलुरु और दिल्ली एयरपोर्ट को मिला है। फ्रेंड्स, जिसको भी टेलीग्राम ज्वाइन करना है, आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @JustDoItHere, मेरा चैनल आ जाएगा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर बताया गया है करंट अफेयर्स या यूपी पुलिस, इन सब की PDF आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट या अयोध्या में है। शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट चंडीगढ़ में है। मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट, पहले इसका नाम था मोगा एयरपोर्ट, कहां पर है? गोवा में है। वीर सावरकर एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ में है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यह है बंगलुरु में, कैमगोडा इनकी मूर्ति है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत इजराइल ने राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता किया है? IIT मद्रास में। COWT इसको कहा जाता है राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी केंद्र। भारत और इजराइल ने मिलकर ये जो राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी केंद्र यह स्थापित करेगा IIT मद्रास में। इसका उद्देश्य है नवाचार और जल आपूर्ति बेहतर करना। ललन टॉप है आपका, राष्ट्रीय बचाव समन्वय केंद्र स्थापित किया गया है चेन्नई में। मसाला अनुसंधान केंद्र या कोझिकोड में है। चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है, कजरी CAZRI, ये कहाँ पर है? जोधपुर में है। IFSR इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट या देहरादून में है। तंबाकू केंद्र राजमुदेरे में है। नेक्स्ट आपका, वित्त वर्ष 2023 में सर्वाधिक CSR व्यय कहाँ पर हुआ है? महाराष्ट्र में। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या कंपनी एक्ट 2013 का हिस्सा है। व्यय के मामले में पहला स्थान है CSR व्यय के मामले में पहला स्थान है महाराष्ट्र का, दूसरा स्थान है गुजरात का। और सर्वाधिक CSR कहाँ पर है? शिक्षा में है, दूसरा स्वास्थ्य में है और तीसरा गरीबी, ग्रामीण गरीबी में। नेक्स्ट आपका, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 6 क्रम का आयोजन तमिलनाडु में, पहला स्थान महाराष्ट्र का, शुभंकर वीरमगई। नेक्स्ट आपका, 37वां राष्ट्रीय खेल, इसका शुभंकर है मोगा, इसका आयोजन किया गया गोवा में और पहला स्थान आया महाराष्ट्र का। माझी बहन और भाऊ योजना महाराष्ट्र ने शुरू किया है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में शुक्राणु अंडराणु दाताओं को बच्चे पर कानूनी अधिकार न होने का आदेश किस उच्च न्यायालय ने दिया है? बम्बई हाईकोर्ट ने। बम्बई हाईकोर्ट ने इन्होंने कहा है कि जो शुक्राणु और अंडराणु दान दे देते हैं, मतलब दान देने के बाद कानूनी अधिकार, अगर बच्चा फिर होता है तो कानूनी अधिकार उन पर, उस बच्चे पर नहीं रहेगा, मतलब बायोलॉजिकल पेरेंट वो नहीं रहेंगे, जैविक माता पिता वो नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है, ललन टॉप, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि लहसुन सब्जी है ना कि मसाला है। गौथिक कला या यूनेस्को में शामिल है। वर्तमान में यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज भारत के हैं। 43 नंबर का है मोईदम असम का, अहोम साम्राज्य का कब्रिस्तान है। नेक्स्ट आपका, हाल ही में वर्ष 2025 तक
भारत की पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार रॉबिन लॉन्च करने की घोषणा करने वाली विंग्स ईवी का संबंध किससे है? इंदौर से है। रॉबिन या भारत की पहली इलेक्ट्रिक माइक्रो कार होगी, इसको लॉन्च करने वाली कंपनी है विंग्स ईवी। ये कहाँ की कंपनी है? इंदौर की कंपनी है। इसकी खास विशेषता है कि यह ट्रैफिक कंट्रोल करेगा, प्रदूषण कम करेगा और सुरक्षित कार है। ललन टॉप है आपका 10^-6 या माइक्रो होता है, 10^-9 नैनो होता है, 10^-9 या गीगा होता है, 10^-10 एंगस्ट्रॉन्ग होता है, 10^-15 फर्मी होता है। नेक्स्ट आपका चर्चा में रही PMG1 योजना का संबंध किससे है? जैव ईंधन से। PMG1 योजना 5 वर्ष के लिए इसको विस्तार कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया है, 2028 से 2029 तक अभी रहेगा। इसका उद्देश्य है कृषि और उद्योग के अपशिष्ट से जैव ईंधन, मतलब वेस्ट से वेल्थ में कन्वर्ट करना इसका उद्देश्य है, और इसको सेकंड पीढ़ी का इथेनॉल भी कहा जाता है। ललन टॉप देख नहीं है इसमें। हाल ही में 1000 किलोमीटर रेंज वाला स्वदेशी कॉमिकेज ड्रोन किसने विकसित किया? इसको विकसित किया है नेशनल एरोस्पेस लैब ने। कॉमिक केज यह क्या है? स्वदेशी ड्रोन है। ड्रोन को UAV कहा जाता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। इसका रेंज कितना है? 1000 किलोमीटर। इसका निर्माण किसने किया है? नेशनल एरोस्पेस लैब ने। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत ने किस देश में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 8 पदक जीते हैं? तो यह चीन में आयोजित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड 17वें क्रम का था। इसका आयोजन किया गया चाइना में। भारत ने यहाँ पर 8 पदक जीता है, 3 गोल्ड 2 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज। पेरिस ओलंपिक में भारत की रैंक कितनी है? 71 है। भारत ने 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज जीता है, टोटल 6 पदक। पहला स्थान USA का, सेकंड चीन का, थर्ड जापान का। और 34वां पेरिस ओलंपिक होगा लॉस एंजल्स USA में। T20 वर्ल्ड कप 2024 इसका आयोजन किया गया, तो USA वेस्टइंडीज में विजेता बना था भारत और विजेता साउथ अफ्रीका। कोपा अमेरिका इसको जीतने वाला है अर्जेंटीना, और यूरो कप जीतने वाला है स्पेन। नेक्स्ट आपका, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना की घोषणा किसने की है? उत्तर प्रदेश ने। मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना इसको शुरू करने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश ने। इसका उद्देश्य है युवाओं के अंदर उद्यमिता का विकास करना, युवाओं को रोजगार के नए अवसर देना। रोजगार के जब नए अवसर रहेंगे, क्योंकि इनके पास नौकरी है ही नहीं। MSME सूक्ष्म युवाओं के स्किल डेवलपमेंट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, और इसमें एज बताया गया 21 से 40 वर्ष, और 8 पास है तो वो भी इसको कर सकते हैं, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट आपका, हाल ही में तेलंगाना की यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आनंद महिंद्रा को। यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी यह बिल पास किया था तेलंगाना ने। तेलंगाना ने भी यही कहा था कि उनके पास नौकरी ज़्यादा नहीं है, युवाओं में कौशल का विकास करने के लिए इस यूनिवर्सिटी को डेवलप किया गया, और इसके अध्यक्ष बनाया गया है आनंद महिंद्रा को। नेक्स्ट आपका, किस राज्य का मानिया चिवाड़ी गांव पहला सोलर विलेज बना है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र यहाँ पर सतारा जिला है, सतारा जिला में मानियाची वाड़ी गाँव है, यह फर्स्ट सोलर विलेज बना है। सोलर एनर्जी का यूज करके फर्स्ट सोलर विलेज बन गया है, महाराष्ट्र का है। भारत का पहला सोलर गांव है मोधेड़ा गांव, गुजरात का। और भारत की पहला सोलर सिटी है सांची, कहां पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आपका, हाल ही में प्रारंभ सॉफ्टवेयर भविष्य का संबंध किससे है? पेंशन से है। भविष्य सॉफ्टवेयर इसका संबंध है पेंशन से। पेंशन भोगियों को नुकसान कम करने के लिए, समस्या सुलझाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। प्रवाह सॉफ्टवेयर इसरो ने लॉन्च किया है। अगर पूछे प्रवाह पोर्टल तो वो RBI ने, सक्षम ऐप चुनाव आयोग ने, संज्ञान ऐप RPF ने, संकलन ऐप गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया है NIA के लिए। नेक्स्ट आपका, भारत सरकार ने किस देश के साथ नागापट्टनम और कांके संतरी फेरी सेवा फिर से प्रारंभ की है? श्रीलंका के साथ। भारत और श्रीलंका, भारत का नागापट्टनम और श्रीलंका का कांके संतरी, इनके बीच में फेरी सेवा शुरू की गई है। इसको नाम दिया गया शिव गंगई फेरी। 50 यात्री सफर करेंगे, 4 घंटे में यात्रा पूरी हो जाएगी। तो आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये क्लास अच्छी लगेगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद।